हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब? ट्रैवलिंग चालू होगी, मस्ती चालू होगी। इस वीडियो के अंदर बहुत ही इन्फॉर्मेटिवली आपको स्टेप बाय स्टेप बताने वाला हूँ दुबई का जो वीज़ा प्रोसेस है वो आप लोग कैसे कर सकते हो, खुद से ही अप्लाई या फिर अगर किसी के थ्रू करवाना है, सब ऑप्शंस मैं आप लोगों को इस छोटे से वीडियो में बताने वाला हूँ। थाईलैंड वीज़ा का मैंने ऑलरेडी डाला था, ढेर सारा प्यार आया उस पर, बहुत सारे लोग देख कर उसको एक्चुअली अप्लाई किए अपना वीज़ा एंड बिना एजेंट के हो गया। यहाँ पर भी आपको मैं गाइड कर दूंगा तो हो सकता है आपको थोड़ा डिस्काउंट भी मिल जाएगा कि कैसे आपको वीज़ा ऑन अराइवल या फिर एक्चुअल वीज़ा जाकर ई वीज़ा जो होता है दुबई का वो अप्लाई करना है। सब कुछ इस वीडियो के अंदर बताऊंगा बेसिकली, लेकिन सब्सक्राइब करके रख लो यार ऐसे चैनल्स को, हेल्पफुल चैनल है ये, इन्फॉर्मेटिव है, व्लॉग्स भी है कि कहाँ घूमना है क्या करना है, आपको बड़ा मज़ा आएगा और हेल्प मिलेगी। इंस्टाग्राम पे हूँ अरियन बैद ऑफिशियल, इस वक्त 4,20,000 से भी ज़्यादा फॉलोअर्स हैं वहाँ पर। हेल्पफुल ट्रैवल टिप्स दे रहा हूँ दुबई का, तो बहुत सारा कुछ डाला हुआ है, तो यू कैन गो देयर एंड यू कैन फॉलो देयर एंड यू कैन चेक अ लॉट ऑफ इन्फॉर्मेशन वहाँ पर भी। तो दुबई में क्या है बोले तो दो टाइप के वीज़ाज़ है, टूरिस्ट वीज़ाज़ की बात कर रहे हैं। एक है इंडियंस के लिए वीज़ा ऑन अराइवल, जी हाँ वीज़ा ऑन अराइवल मिलता है इंडियंस को दुबई में, लेकिन उसके कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस है, मैंने खुद ने वीज़ा ऑन अराइवल लिया था, टूरिस्ट वीज़ा की बात कर रहे हैं। एंड देन सेकेंड होता है जो यहाँ से आप ई वीज़ा लगवा के जाते हो, इलेक्ट्रॉनिक वीज़ा, यानी कि आपको एक पेपर पे लग के आता है वीज़ा, वो मैंने मेरी फैमिली के लिया था ले ली फैमिली के लिए लिया था। तो दोनों ही प्रोसेसेस मुझे मालूम है, दोनों के पैसे कितने लगते हैं मुझे मालूम है, आपको मैं समझा देता हूँ स्टेप बाय स्टेप। सबसे पहले वीज़ा ऑन अराइवल, वीज़ा ऑन अराइवल इंडियंस को अलाउड है, आप लोग वहाँ पर लैंड करने के बाद वीज़ा ऑन अराइवल ले सकते हो, लेकिन इंडियन सिटीजन्स जो पासपोर्ट होल्ड करते हैं इंडिया का उनके पास वैलिड विजिट वीज़ा होना चाहिए यूएस का, या फिर ग्रीन कार्ड होना चाहिए यूएस का, या फिर रेजिडेंस वीज़ा होना चाहिए यूनाइटेड किंगडम या फिर यूरोपियन यूनियन का, रेजिडेंट वीज़ा, नॉट बिजनेस वीज़ा या ट्रैवल वीज़ा यूएस का। लेकिन अगर आपके पास वो B1 B2 है तो हो जाएगा, या फिर ग्रीन कार्ड है। अगर ये चार आप लोगों के रिक्वायरमेंट्स फुलफिल होते हैं तो आपको वीज़ा ऑन अराइवल 14 दिन के लिए टूरिस्ट वीज़ा वहाँ पर मिलेगा आप लोगों को मैक्सिमम स्टे। उससे ज़्यादा भी अगर आप लोगों को स्टे करना है तो वहाँ पर जाकर फिर आप बात करके एक्सटेंड करवा सकते हो, तो उसका अलग प्रोसेस है। लेकिन मैंने ये किया था, मेरे पास यूएस का वीज़ा है, यूएस की वीज़ा की कम से कम 6 महीने आपकी वैलिडिटी होनी चाहिए एटलीस्ट, अभी से लेकर एक्सपायरी तक, तब आपको वो वीज़ा मिलेगा। पैसे कितने लगे? 140 दिरहम्स लगे मेरे को, विच इज़ रफली अबाउट 3,000 रुपीज़, तो सस्ता पड़ गया मुझे वहाँ पर जाकर लेना। एंड मेरे टाइम पर लकीली प्रोसेस बहुत फास्ट था, विद इन 5 मिनट्स जो काउंटर रहता है वहाँ पे, एक मरहबा काउंटर रहता है, वहाँ पर गया मैं, उसने मेरा पासपोर्ट देखा, वीज़ा देखा, एक रिसीट फाड़ी, पैसे लिए और जाकर बस वो एक पेपर दे दिया, वो पेपर लेके इमिग्रेशन में गया मैं। एंड इट वाज वेरी सिंपल, वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड, कुछ भी कॉम्प्लिकेशन नहीं था। 3,000 रुपये यानी कि 140 दिरहम्स वहाँ पर भरे, कैश कार्ड दोनों आप यूज़ कर सकते हो, या तो दिरहम दे दो कैश में या फिर कार्ड में आप क्रेडिट कार्ड से स्वाइप कर लो, आप लोगों को वीज़ा इमीडिएट मिल जाएगा। लेकिन अगर आप लोगों के पास ये चार रिक्वायरमेंट्स फुलफिल है, ये हो गया वीज़ा ऑन अराइवल, तो ये काफ़ी कम लोगों के पास रहेगा, क्योंकि यूएस वीज़ा या फिर ग्रीन कार्ड या फिर ईयू का जो परमिट है रेसिडेंस का या यूके का, वो कम लोगों के पास होता है, लेकिन जिनके पास है वो लोग कर सकते हो। सेकेंड तरीका है, आप उनकी ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर खुद वीज़ा अप्लाई कर दो। भाई साहब, इससे खतरनाक और इससे ख़राब वीज़ा एप्लीकेशन प्रोसेस मैंने कभी नहीं देखा है आज तक, मैं 27 कंट्री घूम चुका हूँ, इतना ख़राब वीज़ा प्रोसेस ऑनलाइन जिसका है, जनरली ऑनलाइन सिंपल होता है, स्ट्रेट फॉरवर्ड होता है, लेकिन वैसा दुबई का नहीं है। एक तो जब आप गूगल करोगे दुबई टूरिस्ट वीज़ा फी फ्रॉम इंडिया या दुबई टूरिस्ट वीज़ा फ्रॉम इंडिया एप्लीकेशन, आपको हज़ारों वेबसाइट आएंगे, आपको पता ही नहीं चलेगा कि ऑफिशियल वेबसाइट कौन सी है, पूरे प्राइवेट वेबसाइट्स आएंगे। एंड मेजॉरिटी आप यूट्यूब वीडियो भी देखोगे कि कैसे अप्लाई करना है, आपको बता देंगे मेक माई ट्रिप में करना है, मेक माई ट्रिप का भी मैं प्रॉब्लम बताऊंगा आप लोगों को अभी, कितना डिफिकल्ट हो जाता है वहाँ पर अप्लाई करना कभी कभी, वो भी मैं आपको समझाऊंगा एंड बेटर ऑल्टरनेटिव दूंगा। तो चलो, मैंने सर्च किया सर्च किया सर्च किया, फिर इंडिगो की वेबसाइट पर मुझे दुबई वीज़ा गाइड मिला, जहाँ पर एक लिंक मिली दुबई की ऑफिशियल वेबसाइट का, जहाँ से आप वीज़ा अप्लाई कर सकते हो। यूएई का अलग रहेगा जो बाकी एमिरेट्स हैं उनका, ये दुबई का है, ऐसा कुछ वेबसाइट निकल के आता है। एंड एक्चुअली ये अरेबिक में होता है बाय डिफ़ॉल्ट, अरेबिक में होता है बाय डिफ़ॉल्ट, एंड उसके बाद यहाँ पर आपको ट्रांसलेट करना पड़ता है, तो क्या है ये सब टेढ़ा मेढ़ा ही आता है। यहाँ पर आप देख रहे हो अजीब सा पेज आ रहा है, ये एक्चुअली मेरा लॉगिन किया हुआ है इसलिए ऐसा पेज दिख रहा है आप लोगों को, यहाँ पर मैं साइन आउट करके फिर लॉगिन करके आप लोगों को बताता हूँ। तो ये देखो ऐसा पेज आएगा, सब उल्टा है यहाँ पर, क्योंकि अरेबिक है, अरेबिक से इंग्लिश में ट्रांसफ़र तो कर दिया इसने ट्रांसलेट, लेकिन जो साइड है वो शिफ्ट नहीं कर पाया वेबसाइट। तो आईडी पासवर्ड पहले आप लोगों को अपना रजिस्टर करना पड़ेगा,
फिर साइन इन करना पड़ेगा। साइन इन करोगे तो कुछ ऐसा पेज दिखेगा, यहाँ पर आपको न्यू एप्लीकेशन लगाना पड़ेगा। अब यहाँ से हो जाती है समस्या चालू, न्यू एप्लीकेशन, न्यू एप्लीकेंट, कौन सा सर्विस सेलेक्ट करें मालूम ही नहीं, न्यू विजिट एंट्री परमिट, न्यू 5 ईयर्स तो नहीं है, वर्चुअल नहीं है, या फिर न्यू विजिट एंट्री परमिट इंडियन एक अलग है। अब इसमें इंडियन कर देते हैं तो फिर और ही कुछ आने लगता है, जैसे यहाँ पर करके मैं न्यू विजिट एंट्री कर दूँ एंड देन आई विल से अप्लाई, तो देखो पता नहीं क्या हुआ, यहाँ पे आ गया। अब यहाँ पे आ गया एप्लीकेंट टाइप US UK शेंगेन, वहाँ पर इंडियन लिखा हुआ और यहाँ पर शेंगेन आ गया। फिर वीज़ा कैटेगरी आपकी कौन सी है, ये बहुत कंफ्यूजिंग आइटम है, ये पूरा आई रियली डिसलाइक दी एंटायर प्रोसेस जो दुबई की वेबसाइट पे होता है, खुद की वेबसाइट, गवर्नमेंट की वेबसाइट पर, तो आई डिडंट अंडरस्टैंड ओनली, इसलिए बहुत 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 दिमाग लगाने के बाद में बहुत सारे वीडियोज़ कोशिश किया ढूंढने की यूट्यूब पर, नहीं मिला। क्या है 400-500, अब जैसे ये वाला सेकंड ऑप्शन आ गया जहाँ पर इंडियन मैंने सेलेक्ट नहीं किया, यहाँ पर एक ही है विजिट पर्पस प्राइवेट, टूरिज्म है नहीं है कुछ भी नहीं पता आप लोगों को, तो प्राइवेट चलो अज्यूमिंग टूरिज्म है, 30 डेज का आ रहा है, इसलिए फिर आपको पूरे डिटेल्स भरने पड़ेंगे एंड फिर उसके बाद इतना सारा झंझट करना पड़ेगा। टोटल में आपके कितने पैसे बचेंगे, 300-400 रुपये कम लगेगा उसमें वीज़ा वीज में, जो अदर आपको, जो मेरा फैमिली का मैंने अप्लाई किया था उसके मुकाबले में। थर्ड ऑप्शन जो बहुत कॉमनली यूज़ करते हैं, सो दिस ऑप्शन आई वोंट सजेस्ट, मेरे को इसके आगे समझ ही नहीं आया, लेकिन आप लोगों को मैं दिखा चुका हूँ, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में छोड़ दूंगा, इफ समबडी वॉन्ट्स टू एक्सपेरिमेंट ऑन योर ओन प्लीज़ यू कैन यूज़ द लिंक एंड फिल द डिटेल्स, अब सेल्फ एक्सप्लेनेटरी रहेगा, यहाँ पर आप जाके उसको ट्राई कर सकते हो, ट्राई करो, सक्सेस हो जाए तो मेरे को भी बता देना भाई। तीसरा ऑप्शन जो आप यूट्यूब पर हर जगह देखोगे वो है मेक माई ट्रिप से बना लो। अब मेक माई ट्रिप का एक अलग झंझट है, यहाँ पर एक तो 7,200 रुपये ले रहे हैं विच इज़ फाइन, इट इज़ ज़्यादा ओनली, आई थिंक इसके वीज़ा का कॉस्ट कुछ 6,400-300 कुछ होना चाहिए दुबई का, लेकिन यहाँ पर 7,200 ले रहे हैं, कमीशन वमीशन ओके फाइन ले लिया। अब यहाँ पर प्रॉब्लम देखो सबसे बड़ी क्या है, इनके डेट्स की प्रॉब्लम, यानी कि अगर आपको 13 दिसंबर को जाना है तो 28 नवंबर से पहले ही आपको अप्लाई करना पड़ेगा, उतना भी नहीं, और भी गड़बड़ था इसमें, यू नो, अगर हाँ यहाँ पर ये आप देखो, अगर आप 14 अक्टूबर को अप्लाई करते हो या डॉक्यूमेंट्स अपलोड करते हो यहाँ पर, आपको वीज़ा 13 नवंबर को ये लोग अप्लाई करेंगे, 20 नवंबर को मिलेगा, 1.5 महीना, जबकि दुबई का वीज़ा जो है 3 से 4 बिजनेस वर्किंग डेज में मैक्सिमम टूरिस्ट वीज़ा आ जाता है आप लोगों को, ये पूरा प्रोसेस 1.5 महीना ले रहा है, क्योंकि इसके स्लॉट्स है खुद के, ये अप्लाई 1-1.5 महीने बाद करेगा, इतना एडवांस प्लानिंग क्यों करना है जब वीज़ा ई वीज़ा अवेलेबल है। दैट इज़ वाई आई डिड नॉट लाइक दिस ऑप्शन, मैं गया इस ऑप्शन को देखने, लेकिन मेरे जो डेट्स थे उसके लिए तो इनके पास स्लॉट्स ही अवेलेबल नहीं थी, तो फिर मुझे मिला मेरा अल्टरनेटिव वीज़ा टू फ्लाई, पेड वीडियो नहीं है, मैंने अप्लाई किया, मुझे कन्वीनियंट लगा, आप लोगों को मैं सिखा रहा हूँ। वीज़ा टू फ्लाई पे मैं गया, यहाँ पर देखो 7,300 बोल रहा है ये, विच इज़ मोर देन मेक माई ट्रिप, लेकिन इस पर आप एजेंट से जब बात करोगे इनके, तो आपको 500-600 रुपये डिस्काउंट मिल जाएगी, तो 6,800-6,900 तक में या उससे भी कम में आप लोगों को मिल जाएगा, अगर मल्टीपल 3-4 वीज़ा है, 5 वीज़ा है। यहाँ पर इन्होंने बताया है प्रोसेसिंग टाइम 4-5 बिजनेस डेज, लेकिन मेरा शायद 3 दिन में ही आ गया था, तो जल्दी आ जाता है जनरली, लेकिन अगर आप लोगों को एक्सप्रेस करवाना है या यू नो 60 डेज़ का करवाना है तो आप लोग वो भी जल्दी करवा सकते हो, बट जनरली 30 डेज सिंगल एंट्री वीज़ा इज़ वेरी गुड, आइडियली यू शुड डू दैट ओनली। उसके बाद आपको अपने डॉक्यूमेंट्स रेडी करने पड़ेंगे, डॉक्यूमेंट्स क्या रिक्वायर्ड है, कुछ भी ज़्यादा रिक्वायर्ड नहीं है, एक फोटोग्राफ चाहिए, यहाँ पर देखो 35x45 mm की फोटोग्राफ चाहिए आपको विथ वाइट और ग्रे बैकग्राउंड, आपका पासपोर्ट का कॉपी आपको अपलोड करना पड़ेगा फ्रंट एंड बैक एंड पैन कार्ड चाहिए, यहाँ पर सब इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है। बेस्ट पार्ट क्या थी मालूम है वीज़ा टू फ्लाई के साथ अप्लाई करने की, यहाँ पर उनको कहीं कॉन्टैक्ट कर सकते हो आप लोग, ये कॉन्टैक्ट मी करके क्या आप कॉल बैक रिक्वेस्ट कर लो, उनको कॉन्टैक्ट किया मैंने, कॉल किया मैंने, फिर उन्होंने किसी ने एजेंट ने विद इन हाफ एन आवर मेरे को कॉल बैक कर लिया, मेरे जो भी डॉक्यूमेंट्स थे पेरेंट्स के वो मैं ऑनलाइन दे दिया उनको सबमिट, पूरा आपका पासपोर्ट का फ्रंट एंड बैक पैन कॉपी और वो सब फोटोग्राफ एंड दैट्स अबाउट इट, आई डिडंट हैव टू डू एनीथिंग, पैसे दे दो और डॉक्यूमेंट्स दे दो, वो फॉर्म फिल करना, एम्बेसी से अप्लाई करना, स्टेटस अपडेट, वो सब सब वो लोगों ने कर दिया। 6,000 आई थिंक 750 या 850 मुझे कुछ लगा 6,850 विच वॉज फाइन इनफ एंड 2 या 3 दिन 3 वर्किंग डेज में मेरा वीज़ा मेरे मेल आईडी में आ गया था। सो आई फाउंड दिस टू बी वेरी कन्वीनियंट, इसका लिंक भी मैं नीचे छोड़ दूंगा वीज़ा टू फ्लाई का, आप इसका यूज़ कर सकते हो, पूरे डिटेल्स यहाँ पर लिखे हुए हैं, कॉम्प्लिकेटेड एकदम नहीं था प्रोसेस, कोई होटल का कंफर्मेशन नहीं मांगा, कोई टिकट का कंफर्मेशन नहीं मांगा, लेकिन जब आप दुबई पे उतरोगे इट इज़ सजेस्टेड कि आप होटल का अपना कंफर्मेशन, आइटिनरी,
रिटर्न टिकट डेट्स लेके चलो, वहाँ पर इमिग्रेशन में पूछ सकते हैं। हालांकि मुझसे कुछ भी नहीं पूछा गया, उसने मेरा चेहरा देखा, पासपोर्ट देखा, स्टैंप मारा और अंदर अलाउ कर दिया दुबई में। तो चेकिंग कुछ नहीं हुई मेरी कि डॉक्यूमेंट्स बताओ, आइटनरी बताओ, बट स्टिल यू नो रूल्स के हिसाब से अगर चाहिए इट्स ऑलवेज बेटर, क्योंकि आप कैसे भी आइटनरी के साथ ही जाओगे, रिटर्न टिकट्स के साथ ही जाओगे, होटल बुकिंग्स के साथ ही जाओगे, तो अपने साथ लेकर चलना बाई चांस इमिग्रेशन पे अगर वो आप लोगों से पूछ ले। अच्छा, इसमें एक और चीज़ मैं आप लोगों को इम्पोर्टेंट बता दूं, जो कॉस्ट थी उसके अंदर बच्चों की कॉस्ट कम लगेगी। बच्चों की कॉस्ट है 4,150, सो 0 to 16 ईयर्स 4,150। तो सबसे सस्ता था वीज़ा ऑन अराइवल, लेकिन वो ऑप्शन ऑफकोर्स काफ़ी लोगों के पास नहीं रहेगा। ऑल्टरनेटिवली दिस इज़ द बेस्ट ऑप्शन, 30 डे सिंगल एंट्री टूरिस्ट वीज़ा, एंड आप इसको अप्लाई करो। मेरा ट्रैवल आई थिंक अगर नेक्स्ट वीक फ्राइडे था, नेक्स्ट वीक थर्सडे था, तो आज मैंने इस वीक को थर्सडे को अप्लाई की, डॉक्यूमेंट्स दिए अपने वीज़ा टू फ्लाई को, एंड आई थिंक बाई ट्यूजडे मेरे को सब डॉक्यूमेंट्स मिल चुके थे। मंडे या ट्यूजडे को ही मेरा वीज़ा आ गया था, बिजनेस वर्किंग डे, सैटरडे संडे हॉलीडे था, एंड आई थिंक एक दिन और भी कोई छुट्टी थी फ्राइडे या कुछ, तो इट केम वेरी फास्ट फॉर मी, बट इट माइट टेक टाइम, इट माइट डिफर पर्सन टू पर्सन एंड एप्लीकेशन टू एप्लीकेशन, कितना रश है दुबई के एम्बेसी में, छुट्टियाँ कितनी है, उनको कितने वीज़ाज देने वगैरह वगैरह, बट दिस इज़ अ गुड प्रोसेस आई वुड सजेस्ट पर्सनली। बाकी आप यहाँ पर देखो ही, जितने मैंने आपको ऑप्शंस बताए, इतने सारे ऑप्शंस हैं दुबई वीज़ा, आप जब डालोगे तो इतने सारे आपको ऑप्शंस मिल जाएंगे। सब दुबई का वीज़ा अप्लाई कर रहे हैं आप लोग, सब अलग अलग रेट्स बताएंगे, लेकिन ये 7,200-7,300 वाली रेट ही थोड़ी करेक्ट है, वही सबसे जेन्युइन लगी मुझे, क्योंकि फिर 500 रुपये का मेरे को डिस्काउंट भी मिल गया इनके एजेंट को पूछने से। सो दिस इज़ वॉट दुबई वीज़ा प्रोसेस इज़। बैंक अकाउंट कुछ नहीं दिखाना पड़ा, पैन कार्ड ज़रूर हाँ देना पड़ा उन लोगों को। सिंपल है, खुद से करोगे थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है, थोड़ा 500-400 रुपये एक्स्ट्रा लगेगा एजेंट का, बट आई थिंक इन दिस केस आई वुड सजेस्ट एजेंट। थाईलैंड में मैंने बोला था खुद ही आप ऑनलाइन भी अप्लाई कर सकते हो, पूरा एक्सप्लेन किया था, या वहाँ पर तो वीज़ा ऑन अराइवल भी मिलता है, तो इट वॉज मच मोर ईजियर। वो वीडियो भी आप देख सकते हो, बाकी व्लॉग्स भी देख सकते हो इन्फॉर्मेटिव, बट ये आपको दुबई का पूरा प्रोसेस डिटेल में। बाकी कोई भी वीडियो देखोगे आप, मेक माई ट्रिप मेक माई ट्रिप मेक माई ट्रिप मेक माई ट्रिप, आई डेंट लाइक इट, प्लस उस पर टाइम बहुत ज़्यादा है, 1.5 महीने पहले कौन वीज़ा लगवाएगा, क्यों वीज़ा लगवाएगा, इससे अच्छा आप 1-2 हफ्ते पहले भी लगवा सकते हो। सो यू कैन ट्राई दिस आउट, और यू कैन ट्राई आउट एनी ऑफ दी अदर वेबसाइट्स ऑल्सो। उम्मीद कर रहा हूँ आपको इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी होगी, सब्सक्राइब प्लीज़ कर देना, लाइक कर देना, बिकॉज ऐसे डिटेल वीडियोज़ बनाने के लिए थोड़ी तो मोटिवेशन मुझे भी चाहिए, फ्री रहती है सब इन्फॉर्मेशन, मैं कुछ नहीं बेचता आप लोगों को कि ये खरीद लो वो खरीद लो, तो या दैट्स अबाउट इट। डू सपोर्ट, दूसरे व्लॉग्स भी देखना, बहुत मज़ा आएगा। ये तो इन्फॉर्मेटिव वाली वीडियो हो गई थी, कुछ डाउट है तो नीचे कॉमेंट करके पूछना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, एन्जॉय योर दुबई ट्रिप, एंड अरियन वेद ऑफिशियल इंस्टाग्राम पे आप लोगों को दुबई ट्रिप की आइटिनरी, कहाँ जाना चाहिए, क्या अवॉइड करना चाहिए, वो सब सब मिल जाएगा, रिव्यूज़ मिल जाएंगे, फीडबैक मिल जाएगी हर जगह की, एंड आप लोगों का पैसा बहुत सारा बच जाएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, सी यू ऑल।